नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग MBA फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। दोस्तों ये अप्रैल साइकिल का असाइनमेंट है। जिन बच्चों ने प्रीवियस साइकिल में अपना असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया था या जिनको इस पर रिजल्ट के बाद कॉपी केस मिल गया या बैकलॉग मिल गया है तो उनको ये असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट बनाने से पहले मैं आपको NMMS का कुछ गाइडलाइन को बता देना चाहता हूँ जो असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहले तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आएगा तो आपको कॉपी केस मिलेगा। आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो, जो आंसर आपने एक्सटर्नल सोर्सेज से लिखे हैं और उसका लिंक शेयर कर रहे हो, तो वो शेयर करना बंद कीजिए, वरना कॉपी चेकर को यही फील होता है कि आपने आंसर्स कॉपी करके लिखे हैं और आपको बिना चेक किए जीरो बैठा देता है। अगर आप अपने असाइनमेंट में किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर होना चाहिए। आप और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग पिक्चर यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये तो हो गया गाइडलाइन का बात कि आपको किस तरीके से अपने असाइनमेंट को कॉपी केस से बचाना है। अब बात करते हैं कि आप अपने असाइनमेंट को कैसे स्कोर करोगे अपने असाइनमेंट के बदौलत, जहाँ पे आपको 25 प्लस मार्क्स रहेंगे। तो सबसे पहले कि आपको जो फॉन्ट साइज़ कॉलेज वालों ने बता रखा है वही चीज़ आपको यूज़ करना है, वही फॉन्ट यूज़ करना है, टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल, उसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उसको प्रेजेंट कैसे करें। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आप लोग मेरे सजेशन में एरियल फॉन्ट यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंटेंस का गैप अच्छा देने के लिए 1.5 का यूज़ कीजिए। आप अपने किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड कर सकते हो, किसी कलर का यूज़ मत कीजिएगा। आंसर पैटर्न आपका थ्योरी पार्ट में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के हिसाब से होगा, और न्यूमेरिकल पार्ट में इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन के पैटर्न से होगा। तो ये तो रहा आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वो 1000 वर्ड के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो क्वेश्चंस होते हैं ए एंड बी, वो उसमें 500 ईच क्वेश्चंस होते हैं। तो 1000 वर्ड के लिए आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, तो वहाँ पे आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, और 500 के लिए मिनिमम आप लोग 450 वर्ड्स लिख सकते हो और मैक्सिमम आप लोग 550 वर्ड्स लिख सकते हो। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे NMMS के वीडियोस बनाए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा मुझको सजेस्ट किया है कि सर आपके वीडियोज़ में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं जो आप बस एक समझा देते हो लेकिन बुक का रेफरेंस नहीं देते हो, आप कहते हो कि एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर लीजिए। क्या आपको वो दिखता नहीं या फिर आपने वो ढूंढने का कोशिश नहीं किया? तो दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा जवाब है आपके लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव यह है कि आप लोग एक अच्छा मार्क्स स्कोर करो। अब वो कहाँ से करोगे, मैं वो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो बुक से ही मैं दूंगा, और मैं जब बुक को पढ़ता हूँ, आंसर्स पढ़ता हूँ, तो मुझको कहीं ना कहीं वो सही नहीं लगता उस क्वेश्चन के साथ कि ये आंसर ज़्यादा उसके साथ मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है या नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि NMMS का वीडियो बनाने से पहले मैं अपने एजुकेशनल चैनल्स चलाता हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो हर सब्जेक्ट पे मेरा अच्छा नॉलेज है। इसीलिए जब मैं क्वेश्चन को आंसर के साथ मैच करता हूँ, रिलेट करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और जब तक मुझको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता किसी आंसर से, तब तक मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ये आंसर लिखो। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, आपको अच्छा स्कोर करवाना भी है, क्योंकि एक एक नंबर से भी काफ़ी सारे बच्चे बैक हो जाते हैं, उनको कॉपी केस मिल जाता है, तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस पास हो जाओ और आप अच्छा मार्क्स क्लियर करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि एक पैसेज दिया हुआ है, उसका एक सवाल आएगा, हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पैसेज में क्या है कि मिस्टर जेम्स जो है वो प्लान कर रहा है एक नया घर लेने का। इससे पहले वो एक रेंट के हाउस में रहता था, और वो जिस सोसाइटी में रहता था उसने वहाँ पे काफ़ी सारे अपने दोस्त बना रखे हैं, लेकिन वो सोसाइटी वो इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि वहाँ पे गार्डन नहीं है, सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। उसके दो बच्चे हैं एलन और सिया, उसकी वाइफ होममेकर है। ओके, मैंने ये पैसेज पढ़ लिया, इसलिए मैं यहाँ पे इस पैसेज को पढ़कर आपके सामने फिर से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको शॉर्ट में ये सारी चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। जेम्स जो है एक प्रोफेशनल
प्रोफेशनल प्रोग्रेस किया है और उसका बजट जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है। हो सकता है उसका बजट इस मंथ 10,000 का हो, अगले मंथ 1 लाख का हो, कुछ भी हो, तो उसका कंस्ट्रेंट नहीं है कि उसका बजट सेम रहेगा। तो आपके अनुसार जेम्स को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कौन से वेरियस फैक्टर्स के थ्रू जेम्स इन्फ्लुएंस होके एक नया घर खरीदेगा, ये बताना है आपके अनुसार। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस जेम्स इन बाइंग अ हाउस। और आप इसमें अपने अपने एंड से कुछ भी अजम्पशन ले सकते हो, एक्स्ट्रा एजम्पशंस ले सकते हो। अगर आपको बुक में लगता है कि बुक में बस इतना ही बताया है, मुझको 2-3 और पॉइंट्स मालूम है, तो आप वो पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं एजम्पशंस के साथ, और चाहो तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। अगर आप लोग ई बुक का यूज़ करें तो ये पेज रेफरेंस में जाएंगे, हार्ड बुक यूज़ करें तो वो पेज रेफरेंस में जाएंगे। आपको कंटेंट क्या लिखना है वो भी मैंने आपको नीचे बता रखा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ई बुक में चलते हैं और वहाँ पे पेज नंबर 81 में हम लोग जाते हैं। पेज नंबर 81 में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपको कल्चरल फैक्टर्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो आपको एक एक करके इन सभी को पढ़ना है और पढ़कर इसे अपने वर्ड में लिखना है, कॉपी करके नहीं लिख देना। कॉपी करोगे चाहे यहाँ से करो चाहे किसी एक्सटर्नल सोर्स से करो, आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तो आपको आंसर जो है अपने हिसाब से अपने तरीके से लिखना है। वो कैसे, आप लोग पैराफ्रेज का यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन काफ़ी सारे साइट्स होते हैं जहाँ पर आप लोग पैराफ्रेजिंग, प्लैगरिज्म चेकिंग कर सकते हो, फ्री वेबसाइट्स होते हैं वो सारे, तो वहाँ से चेक करके आप अपने आंसर्स को डेवलप कर सकते हो। और ये सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हो, इसके जितने भी कल्चरल फैक्टर्स हैं, और ये पेज नंबर 81 से लेके पेज नंबर 96 तक इसके पूरे आंसर्स दिए गए हैं। आप लोग वहाँ तक ये पूरे आंसर्स को अपने हिसाब से पढ़ के 1000 वर्ड के लिए लिखना है। और इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना है तो वो भी आप एक्सटर्नल चीज़ पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को मैच करके एक और क्वेश्चन बनाया गया है। एक्सप्लेन द बायर डिसीजन प्रोसेस दैट यू थिंक जेम्स विल हैव टू फॉलो टू परचेज हिज ड्रीम हाउस। आपको एक बायर डिसीजन प्रोसेस एक्सप्लेन करना है जिसके कारण जेम्स उस चीज़ को, उस प्रोसेस को फॉलो करके अपना ड्रीम हाउस खरीदेगा। तो इसका पेज रेफरेंस भी मैंने दे रखा है 98 से 101 और हार्ड बुक में 88 से 91, और आपका कंटेंट है द बायर डिसीजन प्रोसेस। तो यहाँ पे पेज नंबर 98 में चलते तो वो जो एकदम इसके नीचे ही है, तो यहाँ पे हम लोग द बायर डिसीजन प्रोसेस में आते तो यहाँ पे आपको प्रोसेस भी दिख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़कर आपको अपने हिसाब से आंसर्स लिखने हैं, इसके प्रोसेसेस के बारे में बताना है, और आप चाहो तो कंक्लूजन में एक सजेशन भी दे सकते हो कि जेम्स को ये डिसीजन प्रोसेस का यूज़ करके अपना वो घर खरीदना है। आप चाहो तो दे सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। अगर आपका 1000 वर्ड ऐसा ही हो जा रहा है तो आप लोग चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, और अगर 1000 वर्ड कवर नहीं हो रहा है तो आप लोग वो प्रोसेस के बारे में सजेस्ट भी कर सकते हो, जिससे वो उसको अपना घर खरीदने में आसानी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे 3A और 3B है, जहाँ पे आपको 500 ईच आंसर्स लिखने हैं। तो ऊपर में क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर जेम्स की जो डॉटर है, मिस्टर जेम्स का जो डॉटर है सिया, वो एलेक्सा खरीदने की बात करी है जो अमेज़ॉन पे उसने देखा था। तो उसने बताया कि अमेज़ॉन का जितना भी फैसिलिटी है कि वॉइस इंट्रैक्शन है, म्यूज़िक प्लेबैक है, मेकिंग डू लिस्ट है, सेटिंग अलार्म्स है, मतलब वो एक स्मार्ट डिवाइस है एलेक्सा, हर कोई जानता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों के घर में एलेक्सा होगी भी, तो एलेक्सा के बारे में तो आप सभी को पता है, और एलेक्सा क्या क्या करता है और एक स्मार्ट डिवाइस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, सभी चीज़ आपको पता है। बस यहाँ पे अब आपका सवाल क्या आ रहा है कि एक्सप्लेन द एडॉप्शन प्रोसेस। आपको एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, और मिस्टर जेम्स विल गो थ्रू हु हैज़ नो आइडिया अबाउट एलेक्सा, और आपको वो चीज़ें मिस्टर जेम्स को बतानी है, क्योंकि मिस्टर जेम्स को एलेक्सा के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो एलेक्सा क्या करती है, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो बस आपको एडॉप्शन प्रोसेस आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है मिस्टर जेम्स को। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टेक एनी प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफ योर चॉइस एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय ऑल द कॉम्पिटिटर्स इन द सिलेक्टेड कैटेगरी।
आपको एक किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी को उठाना है अपने अनुसार और उसे वेरियस प्रोडक्ट के साथ एक्सप्लेन करना है पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी के साथ। जो पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज है दूसरे दूसरे प्रोडक्ट का उसे एक्सप्लेन करना है, उसके साथ एक्सप्लेन करना है यूज्ड बाय ऑल कॉम्पिटिटर्स इन द सिलेक्टेड कैटेगरी, और साथ में आपको उनका यूज़ करके आपको आंसर को एक्सप्लेनेशन करना है जो उसके कॉम्पिटिटर्स है उस सिलेक्टेड कैटेगरी का। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने पतंजलि का कोई एक पेस्ट को यूज़ किया, दंत कांति, तो उससे रिलेटेड आयुर्वेद से रिलेटेड और भी कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसके उसके कैटेगरी के, उन सभी के बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बी के लिए आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बुक का ही आंसर्स को यूज़ करो। तो क्वेश्चन नंबर पहले ए के लिए जाते तो 101 और बी के लिए 157 है, तो 101 में हम लोग जाते हैं 101। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को द बायर डिसीजन प्रोसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है कि जैसे कि जेम्स को उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वो अडॉप्शन प्रोसेस का यूज़ करेगा। अब उसका स्टेजेस होता है तो उसको पढ़कर आप लोग अपने आंसर्स को अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब चाहो तो अगर आपको बुक का आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करो, वहाँ से आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि आपको आंसर्स अगर ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ एबीसी, तो आपको वहाँ पे ऐसे आंसर्स लिखना है कि आई एम एबीसी, इस तरीके से, कि मतलब आपका कंटेंट वही रहेगा, बस आपका लिखने का तरीका जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर ए के बारे में मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर बी के लिए 157 पेज पे चलते हैं। 157 में चूजिंग अ डिफ्रेंसीसन एंड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जो आप लोग आगे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, तो आप लोग चाहो तो ये पॉइंट्स को लिख सकते हो, वरना अगर आप सजेशन आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको इजी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे और अपने आंसर्स को स्ट्रांग बनाने का भी क्लू मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपने आंसर्स 3A और 3B का लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों को भी जिनको इस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ असाइनमेंट के बेस पे ही नहीं। अगर आपको कुछ बेसिक क्लियरेंस चाहिए कि MBA में क्या होता है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट का क्लियरेंस चाहिए कि ये सब्जेक्ट कैसे क्लियर करे, या फिर इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं, नॉन स्ट्रीम के बच्चे हैं जो इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं लेकिन उनको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, ईजी लैंग्वेज में चाहिए, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैंने बना कर रखी है PPT में। और भी आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो क्लास 11-12 कॉमर्स में हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हो, तो उनको भी आप शेयर कीजिए, ये वीडियो उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा। मेरे चैनल का काफ़ी सारे वीडियोस जो होंगे BBA से मैच करते हैं, BBA के सिलेबस से और BCom के सिलेबस से भी मैच करते हैं। और यहाँ पे मैं पेड असाइनमेंट्स भी बनाता हूँ, अगर आपको असाइनमेंट्स रिलेटेड कुछ क्वेरी है या फिर MBA से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप लोग मुझको ईमेल कीजिए, कमेंट मत कीजिए कमेंट में, क्योंकि मुझको हर कमेंट नहीं दिखता है और मैं कमेंट बहुत लेट से चेक करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं आप कमेंट आज कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ 2 साल बाद, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए तो आप लोग मुझको डायरेक्टली ईमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपको असाइनमेंट के लिए रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्ट देना है कि मुझको इस असाइनमेंट के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझको ईमेल के साथ साथ अपने क्वेश्चन पेपर भी सेंड कीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा।